तो आईसीआईसीआई बैंक पीओ प्रोग्राम के दो तीन जो है बिल्कुल ही न्यू अपडेट आए हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को पता हो या फिर नहीं भी पता हो सकता है। मैं कुछ दिनों के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि शायद मैं भी आप लोगों को पता हो, बट कुछ चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप आईसीआईसीआई बैंक पीओ प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो सारी डिटेल्स है एज यूजल सेम है जो मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी बताई है, जो मैं रेगुलर बताता आ रहा हूँ, बट दो तीन चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं बात करूंगा इन शॉर्ट। उसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज मतलब कि ये है कि अगर आपको किसी भी बैंक पीओ प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ भी अगर जानना है तो उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जो मेरा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप एक बार मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर एड हो जाओ या फिर ज्वाइन कर लो। ठीक है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब मैं सबसे पहले बात करूं आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम के वेब पेज की, तो वेब पेज जो है वो मतलब न्यू लुक के साथ अपडेट हुआ है और साथ में दो तीन चीजें न्यू भी अपडेट हुई है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का इनका न्यू वेबसाइट पेज है, मतलब वेब पेज है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट पे जब आप इनकी जाओगे तो स्टार्टिंग में ही आप देखोगे कि इन्होंने एक एक करके स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि कैटेगरी आईसीआईसीआई बैंक मणिपाल पीओ प्रोग्राम, जॉब लेवल है एंट्री लेवल मैनेजरियल, जॉब टाइप जो है फुल टाइम है, एक्सपीरियंस आपका 0 to 5 ईयर्स है तो आप कर सकते हो, लोकेशन आपकी ऑल इंडिया होगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है एलिजिबिलिटी की, जहां पर अपडेट हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं देखा था कि ये चीज भी इन्होंने ऐड की थी, वो है इंजीनियरिंग की। तो जो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जिनके पास बीटेक की या फिर आप इन जनरल कह लो कि इंजीनियरिंग की डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पहले ये टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को नहीं लेते थे और ये चीज आपको भी पता होगी। और उसके साथ में क्वालिफाइंग मार्क्स सेम है जैसा कि पहले था, 55% एग्रीगेट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में और आपकी एज जो है 27 इयर्स से बिलो होनी चाहिए जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी। बाकी फीस जो है इसकी वो सेम है, 2,55,500 रुपए, इसमें टैक्स आपका इंक्लूड है। ठीक है, एक और चीज जो है जो ऐड हुई है इसमें, या कह लो कि अपडेट हुई है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं वीडियो बना रहा था तो ये चीजें अपडेट नहीं थी, वो एक चीज है लोन की। ठीक है, बट अभी यहां पर वो चीज दिख रही है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक और लाइन है फीस के सामने, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि दिस फी इज चार्ज बाय मणिपाल अकेडमी जो कि बैंगलोर में है। ठीक है, जहां से आप अपना पीओ प्रोग्राम की क्लासरूम ट्रेनिंग करते हो। ठीक है, तो अब जो लोन फैसिलिटी है वो लोन फैसिलिटी आपको मणिपाल अकेडमी के थ्रू कह सकते हो कि दी जाएगी, बट है सेम ही, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि बदल गया है। अब सेम क्या है कि आप जैसा पहले करते थे कि आप अपना लोन पार्टनर चूज कर सकते हो, लोन पार्टनर बोले तो आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हो वहां पर ऑप्शन भी आपको आएगा। ठीक है, तो आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हो। वैसे अगर आप आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो तो आप आईसीआईसीआई से ही लोन ले लो। उसके बाद जब आप वहां पर देखोगे कि क्लिक हेयर का ऑप्शन भी है, ठीक है, कि फॉर डिटेल्स ऑन द लोन फैसिलिटी एक्सटेंडेड बाय मणिपाल अकेडमी प्लीज क्लिक हेयर। तो जब आप क्लिक हेयर पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि डिस्क्लेमर में 3-4 पॉइंट जो है आपको शो किए गए हैं, वो ये है कि मणिपाल फैसिलिटेट्स कनेक्शंस विथ लोन पार्टनर्स बट डज नॉट प्रोवाइड लोन्स डायरेक्टली। ठीक है, तो मणिपाल का क्या है, मणिपाल अकेडमी का जो अलग अलग बैंक्स है उनके साथ आप कह सकते हो कि टाई अप है, बट मणिपाल अकेडमी लोन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, और दूसरी चीज है आपको वो फोर्स नहीं करता कि आप इसी पर्टिकुलर बैंक से लो। ठीक है, वो आपके ऊपर, आप किसी भी पर्टिकुलर बैंक से ले सकते हो, लेकिन अप्लाई करने के बाद लोन का कुछ क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को आप मैच करोगे तो ही आपको लोन मिलेगा। ये चीजें पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि ये चीज न्यू आई है। ठीक है, एक और चीज है कि अगर आप, एक चीज अच्छी इन्होंने ऐड की है वो ये है आपके जानकारी के लिए कि अगर आप मल्टीपल बैंक्स में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो उससे आपकी सिविल रेटिंग जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये एक पॉइंट इन्होंने अच्छी मतलब कि यहाँ पर ऐड की है। बाकी सारी चीजें सेम है कि आपका पोस्ट क्या होगा। ठीक है, आपको एक डिग्री भी मिलती है जो कि होती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग, 4 मंथ्स आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपका 2 मंथ्स का
इंटर्नशिप होता है और आपकी 6 मंथ की ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। क्लासरूम ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको 5,000 रूपए मिलते हैं, उसके बाद जब आप इंटर्नशिप करते हो 2 मंथ की तो 22,000 से 24,000 रूपए के बीच आपको स्टाइपेंड कह सकते हो मिलेगा, और ओजेटी में आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो होगा 28,000 से 32,000 के बीच। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति में हो, इसलिए उन्होंने बिटवीन सैलरी रखी है कि 28 से 32, 22 से 24 हजार ऐसा, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है, और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ दो है, एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है और एक ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू है। जब आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है पास हो जाता है, उसके बाद आप ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू देते हो, वो क्लियर हो जाता है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। तो ये ओवरऑल मतलब की जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दिया, जो मेन इम्पोर्टेंट अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी सारी चीजें एज यूजल सेम है, जैसे आप पहले करते थे अप्लाई वैसे अब भी कर सकते हो। अब आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी वीडियोस अगर देखनी है, जैसे कि इंटरव्यू से रिलेटेड हो गया, या फिर जो क्वेश्चंस आते हैं किस टाइप के आते हैं, या सिलेबस क्या है, कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं, एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपके डाउट्स हो सकते हैं, मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। उसके साथ में एक मैंने न्यू चीज लाई है, ठीक है, आप लोगों के लिए, मतलब वैसे लोगों के लिए जिनको कि इस सेक्टर में जाना है। किसी भी बैंक पीओ प्रोग्राम की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आईसीआईसीआई बैंक पीओ की बात कर रहा हूं, किसी भी बैंक पीओ प्रोग्राम की। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, इट्स अप टू यू। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू, मतलब आपका डिसीजन होगा ये। तो लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, आप ज्वाइन कर लो, उसके बाद वहां पर मैं अपडेट कर दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप किस बैच में जाओगे, किस बैच के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये आपको पता चलेगा वो ऐसे कि यहाँ पर अब वो अपडेट हटा दिया गया है कि किस बैच के लिए ये एप्लीकेशन ले रहे हैं। तो ये आपको दो चीजों के थ्रू, मतलब कि दो टाइम पता चल सकता है, या तो आपको ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट का जब आएगा मेल तो उसमें लिखा हुआ होगा कि आप इस बैच के लिए आपका टेस्ट लिया जा रहा है, या फिर जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, या इंटरव्यू का मेल जब आपको आएगा तो उसमें लिखा होगा कि आप इस पर्टिकुलर बैच के लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है, या फिर आपका फाइनल सिलेक्शन जो है इस पर्टिकुलर बैच के लिए हुआ है। वैसे ही कौन सा बैच है ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप अगर जा रहे हो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो वैसे भी आपको पता चलना ही है कि कौन सा बैच है, तो बैच डजंट मैटर। उसके साथ में आपको एक दो इम्पॉर्टेंट बातें और मैं बता दे रहा हूँ कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये, ठीक है। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने डिटेल्स फिलअप करने हैं, रिज्यूमे अपलोड करना हो जाएगा, और जिनका मतलब कि ऑलरेडी जो भी डिटेल्स है वहाँ पर सबमिट है उनको पता है कि कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लिक हियर पे क्लिक करने के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था। तो जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से दूसरा टैब, या फिर ऐसा कह लें कि दूसरा पेज ओपन होता है, जिसमें कि लोन के रिगार्डिंग सारी चीजें यहां पर बताई गई है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई कर दूंगा। साथ में अपने YouTube चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पे भी मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो मेरे चैनल पे आप अपडेट रहो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जो भी अप्लाई कर रहे हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड आप उनको शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।